सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो गोल्ड गैंग था उसने अपनी 3% बॉडी को बर्न आउट कर दिया था, जिसके मदद से उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर चली गई थी। और हमने ये भी देख लिया था कि जो नाइट एम्परर था वो ऑलरेडी मारा जा चुका था, वही दूसरी तरफ जो पियर्सिंग टाइगर था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक स्टेट में जा चुका था। और गोल्ड गैंग और पर्पल कॉर्प फिलहाल लियो फेंग के पीछे पड़े हुए थे उसके ट्रेजर के लिए। भागने के अंदर तो लियो फेंग जो था उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और वो काफ़ी ज़्यादा आगे उड़ रहा था, वही पीछे से गोल्ड गैंग और पापा क्लॉक जोर से चिल्लाते कि इंसान भागो मत, तुम हमें वो ट्रेजर दे दो, हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। इसी के साथ पीछे से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो गोल्ड गैंग था वो काफ़ी सारे लाइटनिंग्स बोल्ट को शूट आउट कर रहा था, जो फर्दर आगे डिवाइड होकर एक नेट क्रिएट कर लेते रहे थे। और ये बार बार लियो फेंग से आकर टकरा जा रहे थे, जिसकी मदद से बार बार लियो फेंग की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, लेकिन स्टिल जो लियो फेंग था वो जैसे तैसे मैनेज करके इन नेट्स को ब्रेकआउट करते हुए आगे निकलते जा रहा था। लियो फेंग इस वक्त मन ही मन कह रहा होता है कि अगर इस वक्त ये जो रास्ता है ये इतना ज़्यादा अजीब नहीं होता और इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता तो शायद से मैं यहाँ से कब का बाहर निकल चुका होता, और अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गया तो ये क्या इनका पप्पा भी आ जाए ना, फिर भी ये लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। वही पीछे हम लोगों को पपा क्लॉक देखने के लिए मिल सकता था, जो कि इनके पीछे पीछे इन लोगों को चेस कर रहा था, लेकिन अभी इस वक्त उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही ख्याल पुलाव पक रहे थे। उसको अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था गोल्ड गैंग के ऊपर। इवन गोल्ड गैंग, पपा क्लॉक और आइस ब्लेड जो था ये लोग सेम ही कैंप के अंदर से थे, ऑटोमन कैंप के अंदर, लेकिन और उनके कैंप के रूल थे कि वो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं मार सकते। लेकिन स्टिल इसके बाद भी जो गोल्ड गैंग था उसने अपने मतलब के लिए नाइट टेम्परर को तो पहले मार ही दिया था, भले ही नाइट टेम्परर उनके कैंप से नहीं था लेकिन आइस ब्लेड तो उनके कैंप से था। और नाइट टेम्परर आइस ब्लेड को मारने के बाद जो बचा हुआ ट्रेजर था वो सारा ट्रेजर उसी ने रख लिया था, तो वो सोच रहा था अगर एक बार ये लियो फेंग को पकड़ लेता है और लियो फेंग को मार देता है तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पक्का मैं ही बनूंगा, और ये अगली बार मेरे को ही टारगेट आउट करेगा और मुझे भी मार के मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ये हड़प लेगा। वैसे तो स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था कि ये सब लोग एक ही थाली के चड्डी बड्डी है, लेकिन अभी जाके हम लोगों को पता चल रहा है कि गोल्ड गैंग, पपो क्लॉक, आइस ब्लेड तो वैसे इन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा वीक था इसलिए वो पहले ही मारा गया। और रही बात पपो क्लॉक और गोल्ड गैंग की, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। वही इसी के साथ जो लियो फेंग होता है वो अपनी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि फाइनली वो इस गुफा के बाहर निकलने वाला था और जस्ट एग्जिट उसके सामने ही थी, तभी अचानक से उसको एक लिविंग बींग फ्लोट करता हुआ अपने सामने नज़र आता है, जिसके छः छः हाथ थे, जिसके पास पर्पल कलर का उसने एक आर्मर पहना हुआ था। और इस चीज़ को देखते हुए लियो फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ये यांजी इंडिजीनियस रेस के लोग थे जो कि अभी तक इन लोगों को कंट्रोल रूम में से बैठे हुए देख रहे थे। लियो फेंग अभी रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और उसे जैसे तैसे करके इस एग्जिट से बाहर जाना था, लेकिन उसके सामने ये यांजी इंडिजीनियस रेसिडेंट का एक पर्सन आ गया था। तभी लियो फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इसको बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी ये जो पर्सन होता है छह हाथों वाला, ये धीरे धीरे करके अपने हाथों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है और जो एग्जिट होता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। फिर भी जो लियो फेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था और वो सोच रहा था जैसे तैसे करके इसको ठोकते हुए आगे निकल जाऊंगा, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये पर्सन आता है, धर के एक लात लियो फेंग के मुँह पर मारता है और इसी के साथ जो लियो फेंग होता है वो उड़ते हुए जाता है और दीवार पर जाके टकराता है। वही पीछे से गोल्ड गैंग आ जाता है और गोल्ड गैंग जब इस पर्सन को देखता है तो इसको देख के थैंक यू बोलता है और बोलता है कि यांजी इंडिजीनियस रेसिडेंट थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इसी के साथ उसके पीछे पपा क्लॉक भी वहाँ पे पहुँच गया था और वही दूसरी तरफ हम लोगों को लियो फेंग देखने के लिए मिल सकता था, जो कि एक कोने में पड़ा हुआ था। वही अचानक से हम लोग को एक और पर्सन देखने के लिए मिलता और ये और कोई नहीं है, पियर्सिंग टाइगर था। ये लियो फेंग को पूछता है यांग ये कौन है, तभी जो लियो फेंग होता है वो बोलता है इंडिजीनियस। जैसे ही वो इंडिजीनियस बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पियर्सिंग टाइगर ने भी ये सोचा था कि जो इंडिजीनियस पीपल है वो ऑलरेडी काफ़ी पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं। तभी वो जो पर्सन होता है इंडिजीनियस पीपल का, जब वो इन सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा हुआ देख लेता है, इसी के बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि वैसे तो मैं चाहता था कि तुम सब लोग आपस में ही लड़के मर जाओ, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम लोग फाइनली इस टावर को छोड़ने वाला हो तो मुझे मजबूरी में यहाँ पे आके तुम सब लोगों को रोकना पड़ा। इसी के बाद वो हंसते हुए बोलता है चलो ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ यांजी रेस का, क्विची का, और पिछले बार जब बाकी रेसेस ने हम लोगों के रेसेस के ऊपर अटैक कर दिया था तो जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे बच गया था, और तब से लेके हम लोग एक गॉड कंट्री के अंदर है जहाँ पे हमारी काफ़ी छोटी आबादी है। इसी के साथ वो पर्सन बोलता है कि काफ़ी हज़ारों साल बीत गए, मैं यहाँ पे हमेशा से अकेला था, लेकिन अकेले के होने के साथ साथ मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, और जब से तुम लोग यहाँ पे आओ मेरी नज़र तुम सब लोगों के ऊपर थी और मैं तुम सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था।
वो बोलता है, वैसे तो मैं चाहता था कि तुम सब लोगों को इसी तरीके से अपने आंखों के सामने मरते हुए देखो, और मैंने यही सब प्लान किया था, लेकिन तुम लोग अभी यहाँ से जा रहे हो करके, और मुझे रियली तुम्हारे पास जो तिलस्मान है उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के बाद जो कुचिका होता है गाइस, ये जो इंडिजिनियस पीपल है जो इनके सामने है, इसका नाम कुचिका है, तो ये जो कुचिका होता है वो गोल्ड गैंग से बोलता है कि मैंने सच्ची में सोचा नहीं था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो दो वॉरियर्स मरे थे, मतलब ये नाइट टेम्परर और आइस ब्लेड की बात कर रहा है, कि उन लोगों के भी ट्रेजर को गोल्ड गैंग इस तरीके से रख लेगा, वरना उनके ट्रेजर के अंदर से ये जो कुचिका था ये तिलस्मान उठाने वाला था। जब ये चीज़ गोल्ड गैंग सुनता है तो वो थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इस पर्सन को ये चीज़ पता होगी। इसका मतलब ये पर्सन उन लोगों को सच्ची में इन लोगों की जासूसी कर रहा था काफ़ी टाइम से। तभी जो गोल्ड गैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इससे पूछता है कि तुम्हें इन सारे तिलस्मान की ज़रूरत क्यों है करके। तभी जो लोफेंग होता है वो हंसते हुए बोलता है, मुझे पता था ये जो पर्सन है ये ट्रेजर रूम के लिए यहाँ पे आया है। तभी वो जो पर्सन होता है कुचिका, वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, एटलीस्ट तुम सब में से एक तो बुद्धिमान इंसान है, वरना तुम सब के सब गधे हो। इसी के साथ वो कहता है कि अगर यहाँ पे पहले कोई ट्रेजर होता तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले चोरी हो चुका होता। इसका मतलब जो ट्रेजर के डब्बे लुओ फेंग के पास है वो सारे खाली है। और ये सारी चीज़ें बोलते हुए ये जो पर्सन होता है कुचिका, ये जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये सारी चीज़ें जब बाकी सब लोगों को पता चलती तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। वही पियर्सिंग टाइगर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आइस एम्परर और नाइट एम्परर ये दोनों के दोनों इन खाली डब्बों के लिए मारे गए थे। तभी जो कुचिका होता है वो लो फेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, इंसान तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम इतने बेवकूफ़ कैसे बन सकते हो? जब तुमने वो ट्रेजर का डब्बा उठाया था तो उसके ऊपर कोई चीज़ें लिखी हुई थी जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो उसमें तुमने ये नहीं पढ़ा कि इस ट्रेजर के बॉक्स को बस हमारे रेस के लोग खोल सकते हैं? इसका मतलब ये जो बॉक्स है, एक तो ये पहले से खुल चुका होगा या फिर ये कभी खुलने ही नहीं वाला, और ये जो बॉक्सेज है तुम्हारे पास ये पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम पहले ही खोल के यूटिलाइज़ भी कर चुके हैं। ये खाली डब्बे तो हमने बस तुम लोगों को लालच दिलाने के लिए यूज़ किए थे, ताकि तुम लोग आपस में लड़ झगड़ के मर जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे पास से आके वो सारे तिलस्मान ले लें। लेकिन वो बोलता है कि हमारा जो प्लान है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तुम लोग अभी यहाँ से बाहर भाग रहे थे, तो मुझे मजबूरी में सामने आना पड़ा ताकि मैं तुम सब लोगों को रोक सकूँ। इसी के बाद लो फेंग कहता है कि अभी तुम्हारा मकसद क्या है? तो वो बोलता है कि ये जो ट्रेजर है ये ट्रेजर कुछ भी नहीं है करके, रियल ट्रेजर तो अभी भी ट्रेजर टावर के अंदर है, और ये जो ट्रेजर तुम्हें मिला है ये तो कचरी चीज़ है, और ये चीज़ पहले से ही पड़ी हुई थी इस ट्रेजर टावर के अंदर, ऊपर ऊपर वाले हिस्सों के अंदर। मेन जो ट्रेजर है वो अभी भी इस सेक्रीफाइसल टावर के अंदर है। वहीं हम लोगों को बीच में ये भी देखने के लिए मिलता है कि लो फेंग और बाकी सब लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत विश्वास नहीं हो रहा था इस बंदे के ऊपर, जिसके बाद ये जो कुचुका होता है वो बोलता है, अभी भी तुम लोगों को मेरे विश्वास बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? जिसके बाद वो लो फेंग की तरफ देखता है और बोलता है कि इनमें से एक डब्बा मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को खोल के दिखाता हूँ कि ये जो डब्बा ये पूरी तरीके से खाली है, और ये सब जो भी तुम यहाँ पे कर रहे हो ये सारा हमारे प्लान का हिस्सा है। लो फेंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है, वही पपो क्लॉक और बाकी सब लोग भी लो फेंग की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी जो गोल्ड कैंग होता है वो लो फेंग को बोलता है कि तुम एक डब्बा खोल के दे ही दो इसको, वैसे भी ये क्या ही उखाड़ लेगा। तभी जो लो फेंग होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, तभी वो एक ट्रेजर का डब्बा इसके तरफ फेंक देता है। तभी जो पर्सन होता है ये उसके ऊपर कुछ जंतर मंतर फूंकता है, और फाइनली वो जो डब्बा होता है वो खुल जाता है, और वो जो डब्बा होता है वो पूरी तरीके से खाली होता है। और इस चीज़ को देखते हुए इन सबको विश्वास हो जाता है कि ये सारी प्लानिंग कुचिका की थी। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को रियल ट्रेजर के पास लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे 50% ट्रेजर चाहिए। वैसे तो मुझे पूरा का पूरा 100% ट्रेजर ही चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि वो सारे जो तिलस्मान हैं वो तुम लोगों के पास है, तो मैं अकेला तुम लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं तैयार हूँ तुम लोगों के साथ अपना ट्रेजर का बंटवारा करने के लिए। और 50% जो ट्रेजर है वो मैं रख लूँगा, बाकी 50% में तुम सब लोग आपस में बंटवारा कर लेना। जो गोल्ड गैंग होता है इस पर्सन की तरफ देखता है काफ़ी ज़्यादा शकी नज़रों से, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं, और भी बहुत सारी इन लोगों के बीच में कन्वर्जेशन होती है। लेकिन एट द एंड जो गोल्ड गैंग और बाकी सब लोग जो होते हैं वो मान जाते हैं। वही जो गोल्ड गैंग होता है वो पॉप क्लॉक की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो 50% में से लगभग लगभग जो 80% ट्रेजर होगा वो मैं रख लूँगा, 20% ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूँगा। जिसके बाद ये सब लोग मान जाते हैं। और इसी के बाद क्योंकि इन लोगों को अभी भी इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट था, क्योंकि ये वापस से उन सब लोगों को उस सेक्रीफाइसल टावर के अंदर लेके जा रहा था, पहले ही ये उन सब लोगों को बेवकूफ़ बना चुका था खाली डब्बे हाथ में पकड़वा के और आपस में लड़वा के, तो अभी इन लोगों को इस पर्सन के ऊपर पूरा भरोसा नहीं था, और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पर्सन है ये अंदर जाके उनको किसी ट्रैप के अंदर फंसा देगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर लेगा। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये चारों के चारों साथ में चलेंगे, और इसी के साथ ये जो पर्सन ना ये उन चारों के बीचों बीच चलेगा, और ये सब लोग साथ में अंदर जाएंगे, ताकि अगर बीच में इन लोगों ने कोई भी ट्रैप बिछाया होगा तो उसके अंदर ये पर्सन भी फंस जाएगा।
जिसके साथ ये जो इंडिजिनियस पर्सन होता है ये इन सब लोगों को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम सब लोग इतना ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन और तुम चार चार हो, उसके बाद भी तुम डर रहे हो, चलो कोई ना तुम भी क्या याद रखोगे। इसी के साथ वो बीचों बीच आ जाता है और इन सब लोगों को गाइड करते हुए ट्रेजर टॉलोवर के एक एरिया के अंदर लेके जाता है। वही फाइनली कुछ टाइम चलने के बाद ये लोग फाइनली एक एरिया के अंदर पहुंचते हैं और ये जो एरिया था ये थोड़ा सा अलग एरिया था। वैसे तो इस एरिया के अंदर अभी भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तभी ये सब लोग इधर उधर देख ही रहे थे और ये जो पर्सन था इंडिजिनियस पीपल का ये जोर जोर से हंसने लग जाता है और क्विचिका हंसते हुए बोलता है कि तुम सब लोग कितने बुद्धू हो करके, ये ट्रेजर तुम्हारे सामने है उसके बाद भी तुम ट्रेजर को पहचान नहीं पा रहे। इवन अगर ये सारे तिलस्मान अगर तुम्हारे पास होते भी और साथ ही साथ तुम्हारे पास ये राइट भी होता कि तुम ट्रेजर को खोलो, तभी भी तुम शायद ही अपने जिंदगी के अंदर इन ट्रेजर को ढूंढ पाते। तभी अचानक से ये जो पर्सन होता है ये आगे जाता है और एक दीवार के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वही वो अपना हाथ फहराता है तो वहां से एक दरवाजा बाहर आ जाता है। इस दरवाजे के ऊपर एक जगह थी चाबी लगाने जैसी और इसी जगह के ऊपर वो तिलस्मान लगने थे। यहाँ पे तिलस्मान लगाने के लिए जो पर्सन होता है वो गोल्ड गैंग की तरफ देखता है और बोलता है वो सारे तिलस्मान मुझे दे दो। इसी के साथ जो गोल्ड गैंग होता है वो बोलता है तुमने क्या मुझे इतना ज़्यादा बुद्धू समझ के रखा है कि मैं सच्ची में तुम्हें ये सारे तिलस्मान दे दूंगा। इसके बाद वो हंसते हुए आगे आता है और फिर उसके बाद वो जो तिलस्मान होते हैं वो उस ब्लॉक के अंदर डाल देता है और उसको घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी वो जो दरवाज़ा होता है वो नहीं खुलता। तभी जो इंडिजिनियस पीपल का पर्सन होता है कुची का ही जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है क्या तुम्हें सच्ची में मैं इतना ज़्यादा बुद्धू लगता हूँ, तुम्हें सच्ची में मेरे बातों के ऊपर विश्वास नहीं है करके, अगर तुम खुद खोलना चाहते हो तो खोल लो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। इसी के साथ जो पोपो क्लॉक होता है वो भी अपना एक आध ट्राई मारता है इस दरवाजे को खोलने के लिए और काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी ये लोग नहीं खोल पाते। तो एट द एंड ये सब लोग हार मान के अपने अपने तिलस्मान इस पर्सन को दे देते हैं। फाइनली जो पर्सन होता है वो सारे तिलस्मान इस दरवाजे के अंदर लगा देता है और दरवाजे को खोल देता है। ये जो दरवाजा होता है वो धीरे 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 करके खुलता है और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक वाला ग्लो बाहर आता है। वो लोग अंदर देखते तो अंदर खजाना ही खजाना पड़ा हुआ था, फिर भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था, इसलिए ये जो पर्सन था ये सबसे पहले आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए जाता है। और जैसे ही गोल्ड गैंग पप्पो क्लॉक और बाकी सब लोग इस पर्सन को अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए जाते हुए देखते हैं तो पप्पो क्लॉक और गोल्ड गैंग इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ धीरे धीरे लुओ फैंग और पियर्सिंग टाइगर भी अंदर आ जाते हैं। जैसे ही ये सब लोग अंदर जाते हैं तो अंदर इन लोगों को खजाना ही खजाना देखने के लिए मिल सकता था। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ट्रेजर्स पड़े हुए थे। इवन ये जो दरवाजे थे ये दरवाजे अपने आप में ट्रेजर थे क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके के मेटल्स का यूज़ किया गया था ये मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रेयर मेटल्स थे और साथ ही साथ कुछ जेम्स वगैरह और काफ़ी कुछ लगा हुआ था इनके बीच में, मतलब कुछ हज़ारों करोड़ों बिलियंस मिक्स एलिमेंट के तो बस ये दरवाजे ही थे। तो अंदर वाला ट्रेजर और भी ज़्यादा महंगा होगा। वही ये लोग अंदर जाते 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 और बीचों बीच इन लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा डब्बा दिखाई देता और ये जो बड़ी सी पेटी होती है इसके अंदर 6 ताले लगे हुए होते हैं और इस ताले के अंदर काफ़ी सारा ट्रेजर रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें ये लोग सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो इंडिजिनियस पीपल का पर्सन होता है जिसका नाम कुचिका होता है, ये मनी मन कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है। एक्चुअली जब इसके हाथों के अंदर वो 6 तिलस्मान आ गए थे तो ये जो पर्सन था ये उस टावर का मास्टर बन चुका था और अभी ये उस टावर से मेंटली भी बात कर सकता था। आप ऐसा अभी के लिए समझ लो कि ये जो टावर है इसके अंदर भी अपनी एक लाइफ है जिसके कारण ये जो टावर है ये इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि इसी के रेस के लोगों ने इस टावर को बनाया था। तभी जो पर्सन होता है कुचिका ये हंसते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली मेरे को ये सारी चीजें मिल गई और आज इन लोगों को भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और इसी के साथ वो मनी मन एक ऑर्डर पास कर देता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो। इसी के साथ वो जो सोने के रूम का दरवाजा होता है ट्रेजर हॉल का वो अचानक से बंद हो जाता है। जैसे ही गोल्ड गैंग और बाकी सब लोग उस दरवाजे को बंद होते हुए देखते तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में इस पर्सन के ऊपर देखने लग जाते हैं। तभी जो गोल्ड गैंग होता है वो उड़ते हुए आता है और एक फ्लाइंग झापड़ इस बंदे के मुंह पे देता है और जो पर्सन होता है वो दूर उड़ते हुए जाता है और दीवार से टकरा जाता है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से टकराने के बाद भी ये जोर जोर से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है तुम मेरा उखाड़ी क्या लोगे, अब तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता करके, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जैसे ही यहाँ पे इन सब लोगों को ये सारी बातें पता चलती तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग थोड़ा बहुत पैनिक करने लग जाते हैं। वही जो पियर्सिंग टाइगर था उसको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन आने लग जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक कंडीशन में फिलहाल तो यही पर्सन था और ये सब लोग अगर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रह गए तो इन लोगों का क्या होगा। तभी जो पियर्सिंग टाइगर होता है वो जाता और गुस्से के अंदर इन दीवारों के ऊपर दबा के मुक्के मारता है। इतने सारे मुक्के मारने के बाद भी ये जो दीवार होती उसके ऊपर एक छोटी सी खरोज भी नहीं आती और ये जो पर्सन होता है ये जोर जोर से हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये जो टावर है ये इतना ज़्यादा आसान चीज से बना होगा। इवन यहाँ पे अगर कोई नाइट लेवल का एम्परर होता तो वो भी इस टावर के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं ला सकता, तो तुम तो बस एक एम्परर लेवल के पर्सन हो।
तभी भी ये जो पर्सन होता है ये हंसते हुए उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक ऑप्शन है करके, यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन मेथड है, अगर तुम इस टेलीपोर्टेशन मेथड को यूज़ करोगे तो तुम गॉड कंट्री पहुँच जाओगे, जिसके बाद तुम वहाँ से अपने अपने रास्ते जा सकते हो, लेकिन ये जो ट्रेजर है इसको हमारे हवाले छोड़ दो। तभी जो गोल्ड गैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है हम सब लोग के यहाँ पे झकमराने के लिए आए थे, इतना टाइम हम लोगों ने आपस में फाइट की है, इवन जो गोल्ड गैंग था उसने भी अपने 3% बॉडी को बर्न कर दिया था, और वही दूसरी तरफ पर्पल क्लॉक ने भी अपने 5% बॉडी को बर्न कर दिया था, और यहाँ पे इतने बार एक्सप्लोजन वगैरह हुआ थी जिसके कारण इन लोगों को काफ़ी सारी अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ी थी अपने आप को डिफेंस करने के लिए, और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एट द एंड ये जो सारा का सारा ट्रेजर है ये सामने वाले पर्सन के हाथों देख के चले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता था। तभी गोल्ड गैंग उस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है तो क्या हुआ अगर हम नहीं जा पाए तो, यहाँ से तुम भी नहीं जा सकते। तभी वो जो पर्सन होता है कुची का वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है मुझे यहाँ से जाना भी नहीं है करके, मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हजारों सालों से जी रहा हूँ करके यहाँ पे, और अभी मेरी जीने की सारी तमन्नाएं ख़त्म हो चुकी है, और वैसे भी यहाँ पे आने का मेरा सबसे मेन मकसद ये था कि तुम सबसे वो सारे तिलस्मान लेना, और वो सारे तिलस्मान में ऑलरेडी वो जो बाहर दरवाज़ा था उसके ऊपर लगा चुका हूँ, और वो जो दरवाज़ा है वो अभी क्लोज हो चुका है, और मेरे जो बाकी साथी है वो जाके वो सारे तिलस्मान ले लेंगे, और इस ट्रेजर हॉल के अंदर एक और रूम है जिसके अंदर हमारे जो पूर्वज है उन सब लोगों की मतलब पूरी तरीके से उन लोगों की इनहेरिटेंस को रखा गया है, और वही इस ट्रेजर हॉल का सबसे ज़्यादा ट्रू ट्रेजर है, तो मुझे इन सारे ट्रेजर से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था, मेन ट्रेजर तो वो है, और जो पीछे बाहर की साइड के अंदर जो तिलस्मान लगे हुए हैं वो सारे तिलस्मान मेरे टीममेट्स निकाल लेंगे कुछ टाइम के अंदर, और इसी के बाद वो मेन ट्रेजर हॉल को जाके खोल लेंगे। इसके बाद वो बोलता है अगर तुम जाओगे तो ये सारे ट्रेजर मुझे मिल जाएगा, और तुम नहीं जाओगे फिर भी ये सारे ट्रेजर मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर तुम नहीं यहाँ से जाते तो मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूँगा, और ये जो पर्सन था ये ऑलरेडी एम्परर पैनिकल लेवल का था, तो इवन अगर ये अगर अब इस वक्त अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो गोल्ड कैंक को भी थोड़ा बहुत डैमेज पहुँचने वाला था यहाँ पे, इवन जो गोल्ड कैंक था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था इनकी ये सारी बातों को सुन के। वही दूसरी तरफ जो लो फैंग होता है वो मनी मन सोचता है कहीं ये बुढ़ा सटिया तो नहीं गया, इसका मानसिक संतुलन तो पूरी तरीके से हिल नहीं गया है, ये सच्ची में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की बातें कर रहा है। तभी वो जो बूढ़ा होता है वो पप सटे हुए पागल बूढ़े की तरफ बोलने लग जाता है और बोलता है मैं ऑलरेडी अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मैं हज़ारों सालों से यहाँ पे हूँ, और मैं जी जी के अभी परेशान हो चुका, और अभी मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, तो मैं अपनी जान को देना चाहता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जाके अपने पूर्वजों के आत्मा के साथ मिल सकूँ। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो पर्सन होता है ये अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और अपने आंखों को बंद करते इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक टाइप का ग्लो बाहर आने लग जाता है, और जो पर्सन था इसके बॉडी के अंदर के जो छोटे छोटे सेल्स थे वो सब आपस में फ्यूज होने लग गए थे, और उन सब में छोटे छोटे एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो चुके थे। इसी के साथ जो कुचुका होता है वो मनी मन वापस से बोलने लग जाता है कि मेरे चाहने वालों मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम सब लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, और साथ ही साथ वो लोग जो मेरे दोस्त थे हज़ारों सालों पहले मैं उन लोगों के साथ उनको कंपनी नहीं दे पाया स्वर्ग तक, तो फाइनली मैं तुम सब लोगों के पास आ रहा हूँ, मैं फाइनली एक डीप स्लीप के अंदर जा रहा हूँ, मैं तुम सब लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूँ। इसके साथ वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि पी आई वगैरह जो बाकी के लोग थे ये सब उसके साथी थे जो कि अभी इस ट्रेजर रूम के बाहर थे, और वो लोग आ चुके थे यहाँ पे, और साथ ही साथ उन लोगों ने बाहर जो तिलस्मान लगे थे वो सारे भी निकाल लिए थे, और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये जो कुचुका ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक करने वाला है तो इवन उन लोगों की भी आंखों में पानी आ चुका था, इन्होंने ये सब चीज़ें सोची ही नहीं थी कि ये पर्सन चच्ची में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक कर लेगा ताकि इन लोगों के रेस का इनहेरिटेंस मिल सके। इसी के साथ जो कुचिका होता है ये अपने साथियों को बोलता है कि प्लीज़ मेरी बीवी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ धीरे धीरे करके उसके बॉडी के अंदर का जो ग्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इसी के साथ वो धीरे धीरे करके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ मिलियन सेक्टर लॉर्ड एनर्जी एक साथ इस छोटे से रूम के अंदर रिलीज होती है, जिसके मदद से जितने भी लोग थे वो सारे इधर से उधर भागने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लोग को पियर्सिंग टाइगर देखने के लिए मिल सकता था जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था और वो रो रहा था कि मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। वही जो लो फैंग था उसने अपने आप को अपने विंग से रैप कर लिया था, पपो क्लॉक ने भी उसके सामने भी एक पपो कलर का एक मेम्ब्रेन मौजूद था जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वही तीसरी तरफ गोल्ड गैंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था जो कि अभी भी शांति से बड़े आराम से बीचों बीच खड़ा था और ये सारा नज़ारा देख रहा था। वही ये जो पावरफुल एक्सप्लोजन होता है इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो पपो क्लॉक होता है उसको भी थोड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन वही दूसरी तरफ जो पियर्सिंग टाइगर था उसकी लगभग लगभग 80% बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इस वक्त वो अधमरी हालत के अंदर जा चुका था, अगर किसी ने इसको एक झापड़ भी मारा फिर भी ये कोमा में चले जाएगा, इतना वीक हो चुका था ये।
इसी के साथ हम लोगों को गोल्ड गैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी भी बीचों बीच खड़ा था और उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थे। वो इन सब लोगों को देखता है और बोलता है, मैंने सच्ची में सोचा नहीं था कि यहाँ पे लिटरली इतना बुरा कुछ हो सकता है। वही हम लोगों को कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कुचिका के साथी थे, उन लोगों के मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब से है। और इसके जो साथी थे, ये ऑलरेडी वो दूसरे रूम के अंदर जाके वो सारा इनहेरिटेंस ले चुके थे और अभी ये लोग कंट्रोल रूम में से बैठे बैठे ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। वही यहाँ का जो सिस्टम AI था, वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि मास्टर ने मरने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा है, पू आए मैन बू लैंडी मू, तुम सब ये सारी चीज़ें सुन रहे हो, जब तक तुम ये सारी चीज़ें सुनोगे शायद से मैं मर चुका होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था और वैसे भी काफ़ी सारे ट्रिलियंस ऑफ ईयर हो गए कि मैं यहाँ पे एक बूढ़े इंसान की तरह जी रहा हूँ, मैं थक चुका था अपने ज़िंदगी से, फाइनली मैं सेटिस्फाई हूँ और मेरे मौत बेगारा नहीं गई और मेरे मौत के साथ साथ तुम्हें ये सारा इनहेरिटेंस भी मिल चुका होगा, मैं सेटिस्फाई हूँ। और साथ ही साथ जो बचे हुआ ट्रेजर रूम है वो ऑलरेडी मैं पूरी तरीके से बंद कर चुका हूँ और अभी उस ट्रेजर रूम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और रही ये सब लोगों की बात, ये लोग एक तो गॉड कंट्री के अंदर टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ से निकल जाएंगे या फिर ये ट्रेजर यहाँ का ऐसे क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो तुम लोग वेट कर सकते हो कि जैसे ही ये लोग यहाँ से चले जाए तो इसी के बाद तुम वापिस से अंदर आ जाना और ये सारे ट्रेजर उठा लेना। इससे ज़्यादा परफेक्ट एंडिंग इस प्लान की हो ही नहीं सकती थी। तो मैं होप करता हूँ कि तुम सब लोगों को मेरी बात समझ चुकी होगी। इसी के साथ ये सारा जैसे ही मैसेज पूरा तरीके से अनाउंस होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग थे जो कुचिका के साथी थे, वो सब लोग रोने लग जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि उनको वो सारा इनहेरिटेंस मिल चुका था। और रही बात बाकी के ट्रेजर की, तो उन सारी ट्रेजर की उन लोगों को ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं थी। वही आप इसे हम लोगों को लो फैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो पपा क्लॉक था और गोल्ड कैंग था, उन लोगों की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा था। वही दूसरी तरफ जो पियर्सिंग टाइगर था, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो मरने की हालत के अंदर आ चुका था। और लो फैंग को भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने शावो विंग से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। वही इसी के बाद जो गोल्ड कैंग होता है, वो पपा क्लॉक की तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है, मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा है करके। अभी पहले भी जब तुमने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था और 3% अपनी बॉडी को जलाया था, उसके बाद भी तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और नाइट एम्परर वाला एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पे भी बस तुमने नौटंकी की थी कि तुम्हें चोट लगी है, उस एक्सप्लोजन में भी तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था और इस एक्सप्लोजन में भी तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वही जो गोल्ड कैंक था, वो लू फेंग को भी देखते हुए शौक था क्योंकि इस एक्सप्लोजन के अंदर लू फेंग को भी कुछ भी नहीं हुआ था। लू फेंग इन सब में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता था, लेकिन इसके बाद भी एट द एंड तक इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बाद भी जो लो फैंग है वो पहले की तरह एकदम हट्टी खट्टी हालत के अंदर है अपनी। लो फैंग इन सब में से भले ही सबसे ज़्यादा वीक है और साथ ही साथ उसकी अटैक पावर भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन अगर डिफेंस पावर की बात की जाए तो लो फैंग की डिफेंस पावर लिटरली एक अलग ही लेवल के ऊपर है, जिसके मदद से वो अभी तक सर्वाइव कर पा रहा है। जब पपा क्लॉक ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि सच्ची में गोल्ड कैंग तुम इतने लाल से निकल सकते थे, मैंने कभी भी सोचा नहीं था, मैं अभी तक तुमको इग्नोर करते आ रहा था, लेकिन अब नहीं, तुमने क्या सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा वेला रहूँगा। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ रेसेस है, काउंटलेस नंबर ऑफ ट्रेजर है और मैंने आज तक इतने सारे ट्रेजर हंट किए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आज तक कैसे बचता हुआ आया होगा, मेरे पास भी अपना खुद का कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिसकी मदद से मैं आज तक जिंदा हूँ। गोल्ड कैंग शॉक के साथ पूछता है, लेकिन जब हम लोगों ने बाहर प्लान किया था तब तो तुमने इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी ये जो पपा क्लॉक होता है वो हंसते हुए बोलता है, ये मेरे सर्वाइवल का मैटर है, मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक्स तुम्हें क्यों बताऊँ। इसके बाद वो पियर्सिंग टाइगर की तरफ और लो फैंग की तरफ देखता और बोलता है, ये पियर्सिंग टाइगर ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन इसके बाद भी इसकी इतनी बुरी हालत होगी ये मैंने सोचा नहीं था। और वही दूसरी तरफ ये लो फैंग जो कि एक मामूली सा इंसान है, इसके बाद भी इसकी डिफेंसिव पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। चलो छोड़ो, जाने दो, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ है। अभी सामने इनके एक बड़ी सी पेटी पड़ी हुई सोने की, इस पेटी को उनको कैसे भी करके खोलना है और इसके ऊपर 6 ताले लगे हुए हैं। तभी ये बोलता है कि हम सब लोग एक एक करके इसको खोलने का ट्राई करते हैं। इसी के साथ जो पपा क्लॉक और बाकी सब लोग होते हैं वो गोल्ड कॉन्ग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम हो, तो सबसे पहला ट्राई तुम ही क्यों नहीं देते। इसी के बाद जो गोल्ड कैंग होता है बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं सबसे पहला ट्राई दे के देखता हूँ। जो गोल्ड कैंग होता है वो अपनी पावर की मदद से काफ़ी कोशिश करता है इस चीज़ को खोलने के लिए, इवन वो अपनी काफ़ी सारी सीक्रेट स्किल्स को भी यूज़ करता है, लेकिन उसके बाद भी वो इस पेटी को नहीं खोल पाता।
वही जो पपो क्लॉक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, और वो लो फेंग को भी पूछता है, लेकिन लो फेंग बोलता है कि नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, पियर्सिंग टाइगर तुम जाके ट्राई कर सकते हो। वही पियर्सिंग टाइगर मरमराने की हालत में आ चुका था, लेकिन इसके बाद भी बंदा ट्राई करना नहीं छोड़ता, और वो भी इस सोने की पेटी को खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस चीज़ को नहीं खोल पाता। एट द एंड लो फेंग जाता है अपना 999 प्लस IQ लगाते हुए, वो भी इस चीज़ को खोलने की पूरी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको भी बाबा जी का ढुल्लू मिलता है। इसी के बाद सीन चेंज होता है, हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी ये सारे लोग बैठे हुए थे। वही लीड ही मुँह बात करते हुए बोलता है कि ये घुसपैठी है, इन ये अभी तक नहीं समझ पा रहे, अभी तक ये इतने ज़्यादा बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं, और इनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और ये लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के मुंह में। इसके बाद भी कितने ज़्यादा लालची है, और इनको खजाना चाहिए, इनकी नज़र अभी भी हमारे खजाने के ऊपर है। चलो कोई ना, देखते हैं कि और कितना टाइम ये ट्राई करते हैं। एट द एंड थके तो इनको टेलीपोर्टेशन मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये लोग चले जाएंगे और एट द एंड ये सारा ट्रेजर हमारा ही हो जाएगा। वही जो गोल्ड गैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस डब्बे को काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी कोई भी नहीं खोल पाया था। वो गुस्से में बोलता है कि कितनी ज़्यादा बकवास सी बातें करके। वैसे तो जो गोल्ड गैंग था अभी तक बस उसी इंसान को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि नाइट टेम्पर और आइस ब्लेड के स्टोरेज रिंग्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें एट द एंड गोल्ड गैंग के हाथों में ही लगी थी। लेकिन स्टिल इतनी सारी चीज़ें पाने के बाद भी जो गोल्ड गैंग था उसको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि ये गोल्ड गैंग के लिए कुछ भी नहीं था। इसी बात गोल्ड गैंग उन सब लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम सब लोग किसी काम के नहीं हो, अभी चले जाओ यहाँ से और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। इसी के बाद वो सब लोग गोल्ड गैंग की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि गोल्ड गैंग उन लोगों को टेलीपोर्टेशन मेथड यूज़ करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो सब लोग गॉड कंट्री नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि गॉड कंट्री के बारे में इवन वो लोग भी इतने अच्छे से नहीं जानते थे, और उनको पता नहीं था कि अगर ये लोग अगर यहाँ से गॉड कंट्री चले भी जाते हैं तो इसके बाद ये जो पर्सन है गोल्ड गैंग ये उनका पीछा करेगा, और पीछे करके उनमें से हर किसी को पकड़ पकड़ के एक एक करके मार देगा। और यही सारी चीज़ें उन लोगों के दिमाग के अंदर चल रही थी, इसलिए जो पॉपो क्लॉक होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो सबसे पहले जाएगा, ताकि तुम हमें फॉलो ना कर सको। इसी के बाद जो गोल्ड गैंग होता है इन सब लोगों की तरफ देखता है और हंसता है, और फिर बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहे हो तो सबसे पहले तुम ही मेरे हाथों से मारे जाओगे। इसी के बाद वो हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि भले ही मेरे को इस जगह पे कुछ भी ना मिला हो, लेकिन अभी कंपनसेशन के रूप में मैं तुम तीनों को मारूंगा बारी बारी से, और तुम्हारे पास जितना भी खजाना है वो सारा खजाना मैं ले लूँगा। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा बाहर गया था कहीं, और आने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और आने के बाद थोड़ा बहुत थक भी गया था। स्टिल मैंने सोचा कि फालतू में एक दिन का लीव हो जाएगा अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो मैंने बना के डाल दी। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है और ज़्यादा छोटी वीडियो भी नहीं है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादा चैप्टर कवर किए, और बचे हुए चैप्टर मैं कल सुबह वाली वीडियो के अंदर दे दूंगा। और कल सुबह आपको एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, शाम को भी एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। वही अगर कल हमारा ये वाला जो टॉपिक है ट्रेजर हॉल वाला ये ख़त्म हो जाता है तो मैं पुरानी वाली वीडियो भी डाल दूंगा जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। ये थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया है तो मे बी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बुरा लगा होगा, लेकिन कोई ना, मैनेज कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।